दोस्तों इस प्रश्न में पी क्यू आर एस टी यू नाम के सात व्यक्ति हैं। पी क्यू आर एस टी यू और वी हैं, ये क्या है पर्सन्स हैं। इन्होंने दो सब्जेक्ट में एग्जाम दिए हैं, किसमें, एक तो मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, और एक साइंस में। और इनके जो मार्क्स इनको मिले हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टोटल मार्क्स जो आएंगे इनके दोनों में वो यहाँ लिखेंगे, और इनकी एज से संबंधित जो वर्किंग है वो हम यहाँ पर करेंगे। पहले इसके अंदर लिखा है कि दोनों में जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, 50-50 है, और मिनिमम मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स है वो 20-20 है, ये इसके अंदर दिया गया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। आर और एस की औसत आयु पी और वी की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, ठीक है। आर है इसकी आयु, ठीक है, तो इसकी आयु औसत आयु जो है पी की एज और वी की एज में 2 का भाग देंगे तो इसकी औसत आयु आएगी उससे, ठीक है, 2 वर्ष कम है ये। और ये किसके बराबर है, आर की आयु और एस की आयु के औसत के बराबर है, ये हमारा एक समीकरण बना। उसके बाद हम देखिए कि पी की आयु वी की तुलना में 20% अधिक है, तो पी कहाँ है, देखिए सबसे ऊपर पी है, इसकी आयु जो है वी की तुलना में, यानी वी की जो आयु है उससे 20% अधिक है, यानी 120/100 है। क्यू यू से 3 वर्ष छोटा है, तो क्यू कहाँ पर है, ये है, तो ये यू से 3 वर्ष छोटा है, तो इसकी आयु कितनी होगी, यू की आयु -3 होगी, ठीक है। और यू की आयु जो क्या होगी, क्यू की आयु +3 होगी। क्यू का कुल स्कोर टी से, टी का जो टोटल स्कोर है, ठीक है, टी का टोटल स्कोर है इससे 7 अधिक है, ये हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं कि एस को गणित में 41 अंक मिले हैं, ये एस है, इसको ये मैथ्स में जो है 41 अंक मिले हैं, तो 41 अंक जो है ये कन्फर्म हो गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और विज्ञान में उसका अंक की आयु के दुगने से 5 अधिक है, ये गुणा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर विज्ञान में क्या है, उसकी जो आयु है उसकी आयु कितनी है, एस की आयु कितनी है, एस ए है, और एस ए के का हम करेंगे डबल, ठीक है, इसकी दुगनी कर दी, उससे 5 अधिक है, ये इसकी विज्ञान में अंक। वी द्वारा गणित में बनाए गए अंक क्यू की आयु से 5 कम है, वी जो है ये वी है, इसके गणित अंक जो है वो क्यू की आयु से 5 कम है। और लेकिन पी द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों से 27 कम है, यानी पी के जो विज्ञान में अंक है, ठीक है, पी साइंस, ठीक है, पी का जो साइंस में अंक है उससे 27 कम है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, पी को एस की तुलना में गणित में 11 अंक कम मिले हैं, एस में कितने 41 है, पी को 11 अंक कम मिले हैं, यानी कि 41-11=30 अंक मिले इसको, 30 है 125 के बराबर, तो 100 के बराबर क्या हुआ, ठीक है, इससे इसकी एज आ जाएगी, ये 25 से काटा 5 हो गया, ये 25 से काटा 4 हो गया, 120 में 5 का भाग दिया 24, ठीक है, ये 24 इसकी एज हो गई इसकी पी की। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि वी की एज से पी की एज 120 है, तो देखिए अब पी की एज पता लग गई 24, तो 24 जो है ये किसके बराबर है, 24 जो है ये है 2 के बराबर। देखिए वी की एज जो है, ये पी की एज है, वो वी की एज से 20% ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 120 जो है ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है, तो वी की एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, ये किसके बराबर है, 120 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितनी होगी, देखिए इसको काट दिया आपने, ये 24 को 12 से काटा तो ये हो गया 2, ये हो गया कितना 20, वी की एज हमारी 20 वर्ष हो गई, ये भी कन्फर्म हो गया। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखते हैं, एस की उम्र है उसकी तुलना में पी की उम्र 3 वर्ष अधिक है,
ठीक है, तो पी की उम्र 24 है तो एस की उम्र कितनी हो गई 21 वर्ष, ये एस है तो एस की उम्र कितनी हो गई 24 माइनस 3 बराबर 21। टी दो विषयों में से एक में दो अंक से असफल रहा है, टी है इसके दो विषयों में से एक में दो अंक से असफल, ये इसको 18 नंबर मिले हैं 20 में से, ठीक है मिनिमम पासिंग मार्क 20 है, दो नंबर से दो मार्क्स से असफल रहा है दोनों में से किसी एक विषय में, यदि मैथ्स के अंदर या तो उसको 18 नंबर मिले हैं या साइंस में उसको 18 नंबर मिले हैं कि, और विज्ञान में उसका स्कोर पी से 21 कम था, यानी ये विज्ञान जो है ये इसके अंदर इसका स्कोर क्या था पी से 21 कम था। अब पी का विज्ञान में क्या स्कोर है वो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे पी एस माइनस 21, ये टी का जो स्कोर है पी एस माइनस 21 हो जाएगा, लेकिन आर से केवल 11 कम था तो आर एस से 11 कम था, ठीक है आर का भी हमें पता नहीं है अभी, आर का कुल अंक उस व्यक्ति की तुलना में 24 कम है जो उसे 2 वर्ष बड़ा है, ये हो गया, और उसने गणित की तुलना में विज्ञान में 12 अधिक अंक प्राप्त, जो साइंस के अंक है उससे 12 कम है, दोनों विषयों में ए यू का औसत स्कोर गणित में उसके स्कोर से 1 अधिक है, यू का जो औसत स्कोर है वो दोनों विषय यानी कि यू का एम प्लस यू का साइंस में जो स्कोर है उसका औसत हो गया, ये गणित में उसके स्कोर से 1 अधिक है, ठीक है ये जो है ये किसके बराबर है, यू का जो गणित में स्कोर है उससे 1 अधिक है, लेकिन ये जो स्कोर है क्यू को जो स्कोर है मैथ्स का, ठीक है उससे 2 अधिक है, पी द्वारा बनाए गए कुल अंक वी द्वारा बनाए गए कुल अंकों से 30% अधिक है, ओके। उसके बाद क्या है, वी द्वारा विज्ञान में बनाया गया अंक भी यू की तुलना में 3 अधिक है, वी जो है देखिए ये वी है इसका जो विज्ञान में जो बनाया गया अंक है वो यू की तुलना में 3 अधिक है, यानी यू का जो साइंस का अंक है उससे 3 है, ठीक है ये हमारा डाटा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस डाटा के आधार पे हम पहले इनके जो कॉलम है सारे वो पूरे करेंगे, तो इसके एस के साइंस के जो अंक हैं वो एस की उम्र के डबल हैं, तो एस की उम्र कितनी 21 है, तो 21 गुणा 2 प्लस 5 तो कितना हो गया 47, ये आपका 2 हो गया, इसका साइंस का नंबर तो साइंस का 47 और इसका मैथ्स का 41, टोटल नंबर कितने हो गए दोनों को जोड़ दिया तो 41 प्लस 47 88, ये इसके टोटल मार्क्स हो गए, ये हमें पी की एज वी की एज से 120% है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं तो पी की एज कितनी है 24, ये 24 साल है, पी की एज 24 है और वी की एज कितनी है 20 है, तो 24 प्लस 20 भाग 2, 24 में 20 44 हो गया, इसमें भाग दिया 2 का तो ये कितना हो गया 22, ठीक है तो ये 22 माइनस 2, ठीक है तो ये क्या हो गया 22 क्या हो गई एवरेज एज हो गई, क्योंकि पी और वी की एवरेज एज हुई 22 और 22 माइनस 2 यानी 20, ये 20 क्या है ये इसके बराबर है किसके आर की और एस की एज के एवरेज के बराबर, तो आर की एज का हमें पता नहीं है तो आर ए प्लस 5, एस की एज कितनी है एस की एज हमें पता है 21 वर्ष है बटा 2 आर ए प्लस 21 इक्वल टू 20 गुणा 2 यानी 40, ठीक है तो आर ए बराबर 40 माइनस 21 बराबर 19, तो आर की एज कितनी होगी 19 हो गई, ये आर की एज होगी 19 वर्ष। आर के टोटल मार्क्स जो है वो आर की उम्र से 2 वर्ष जो बड़ा व्यक्ति है उसके टोटल मार्क्स से 24 कम है, तो आर के उम्र से 2 वर्ष बड़ा व्यक्ति कौन है, आर की उम्र 19 वर्ष है तो
जिसकी 21 वर्ष है, वो 2 वर्ष बड़ा हुआ ना, तो 21 वर्ष वाला कौन है? एस है, ठीक है। तो एस का जो टोटल कितना है? 88 है। तो ये क्या आएगा? 88 माइनस 24, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 88 टोटल माइनस 24, यानी कि ये आपका आ गया 64। ये टोटल मार्क्स हैं इसके आर के, समझ में आया ना। आर से जो 2 वर्ष बड़ा है, यानी 21 वर्ष से 2 वर्ष 23 साल है, जो 21 साल का है, आर की आयु 19 साल, उससे 2 वर्ष बड़ा यानी 21 साल वाला कौन व्यक्ति है? एस है। और एस का जो टोटल मार्क्स है वो 88 है, उस 88 से 24 मार्क्स कम है, यानी 64 हो गया, ठीक है। ये आपका हमारा आपको पता लग गया, ठीक है। आर के जो मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स में 12 का अंतर है, और टोटल मार्क्स है 64। तो 64 में से हम पहले 12 लेस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 52 आ जाएगा, ठीक है। 52 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 26। 26 में 12 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 38। 38 मार्क अगर साइंस के साइंस में है, ठीक है, इसके आर के, तो आर के मैथ्स में कितने होंगे? 38 माइनस 12 बराबर 26, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका आर भी, आर के चारों कॉलम कंप्लीट हो गए। देखिए टी के साइंस में कितने मार्क्स हैं, या तो 18 हैं या आर एस माइनस 11, यानी आर के साइंस में मार्क्स हैं उससे 11 कम है। देखिए आर के साइंस में मार्क्स कितने? 38 हैं, ठीक है। जब आर के साइंस में 38 मार्क्स हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 38 माइनस 11, ठीक है। 38 माइनस 11 तो 27 जो नंबर हैं ये आपके टी के साइंस के नंबर हो गए, ओके। और 27 नंबर हो गए तो ये इसके तो 18 ही हो गए, मतलब, ठीक है। एक में 18 थे, दोनों में, दो नंबर से जो है ये फेल हुआ था, दोनों में से एक में, तो इसमें तो पास है, इसलिए 18 नंबर किसके हो गए? टी के 18 हो गए। अब दोनों के मिला के कितने हो गए? देखिए 27 और 18 कितने हो गए? 45 हो गए, ये आपका पूरा हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पर लिखा है कि पी एस माइनस 21, टी के जो ये मार्क्स हैं 27 है, ये पी के साइंस के मार्क्स से 21 कम है, तो पी के साइंस के मार्क्स, या ये देखिए यहाँ वी के साइंस के मार्क्स कितने आएंगे? 27 प्लस 21, ठीक है, 27 प्लस 21 बराबर 48, ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये आपको ये पता लग गया कि 30 और 48, तो इसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 प्लस 48 बराबर 78 हो गए, ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी आपका पी भी कंप्लीट हो गया। के वी के साइंस, पी के साइंस में से 27 मार्क्स कटाने पर वी के मैथ्स में मार्क्स आ जाएंगे। पी के साइंस के मार्क्स कितने? देखिए अपने भी निकाला था, ये पी है, पी के साइंस के मार्क 48 है, तो 48 माइनस 27, ठीक है, ये आपका 48 माइनस 27, तो ये कितना हो गया? 21। ये 21 क्या है? वी के मैथ्स के मार्क्स हो गए। वी के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो क्यू की उम्र से 5 कम है, तो क्यू की उम्र कितनी होगी? 21 प्लस 5। देखिए क्यू की उम्र यहाँ पर आगे, यहाँ पर क्या आएगी? क्यू की उम्र जो है ये आ जाएगी 21 प्लस 5, यानी 21 प्लस 5 यानी 26, ये आपकी क्यू की उम्र कन्फर्म होगी। अब ये कहते हैं कि यू की उम्र क्यू की उम्र से 3 वर्ष कम है, ठीक है, तो यू की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 और 29, ये यू है। देखिए हम आते हैं यू के पास में, ये यू है, यू की उम्र कितनी हो जाएगी? क्यू ए प्लस 3, यानी 26 प्लस 3 यानी 29 साल, ये आपकी उम्र हो गई। क्यू के टोटल मार्क्स टी के टोटल मार्क्स से 7 ज़्यादा है, टी के टोटल मार्क्स कितने हैं? ये देखिए टीटर के टोटल मार्क्स 45 है, ठीक है, तो 45 प्लस 7 यानी इसके टोटल मार्क्स हो गए 52। अब देखिए जब वी के टोटल मार्क्स 60 है और मैथ्स में 20 वह हैं, तो वी के साइंस में कितने आ गए? 60 माइनस 21 यानी 39, ये इसके साइंस के मार्क्स हो गए। यू के साइंस के मार्क्स जो हैं वो वी के साइंस के मार्क्स से
तीन कम है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना यूके साइंस के मार्क्स वीके साइंस के मार्क्स से तीन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो वीके साइंस के मार्क्स कितने हैं 39 और तीन, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। ओके, अब हमें पता लग गया यूके। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला ये है कि यू एम प्लस यू एस यानी यूके मैथ्स और यूके साइंस के मार्क्स, अब हमें यूके साइंस के मार्क्स से पता लग गए हैं, इसलिए हम इसको जो है यहाँ क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 36, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि यू एम प्लस 36। ठीक है, इसको हम दोबारा लिखते हैं, ढंग से लिखते हैं इसको, यू एम यू के मैथ्स के मार्क्स प्लस यू के साइंस के मार्क्स 36। ठीक है, और ये जो है इसको इधर ले आते हैं प्लस को, तो माइनस एक कर देंगे इसको। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एम के बराबर, यू एम प्लस 36 माइनस 1, तो यू एम अपॉन 2 है ये। ठीक है, यू एम अपॉन 2 माइनस 1, ये अलग है। ठीक है, माइनस 1 जो है ये अलग है। अब इसको हम और हल करेंगे आगे, तो ये क्या आ जाएगा, यू एम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एम प्लस 36 माइनस 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, यू एम 2 यू एम हो जाएगा, 2 यू एम। अब देखिए ये 2 यू एम में से 1 यू एम घटा देंगे, तो यू एम बराबर कितना हो जाएगा, यू एम बराबर 36 माइनस 2 यानी 34। तो ये 34 क्या है, ये हुई यू एम की वैल्यू, यानी यू के मैथ्स में कितने मार्क्स आए, 34 मार्क्स आए, और 34 और साइंस में कितने आए, 36, तो दोनों में मिला के कितने हो गए, 34 और 36 70, यानी टोटल मार्क्स जो इसके कितने हो गए, आप कहीं भी लिख दीजिए, जगह जगह यहाँ 70 लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो है सीक्वेंस पूरा हो गया, और ये भी आपका पूरा हो गया। अब रहेगा आपका क्यू का, अब क्यू में क्या है, देखो ये लिखा है कि दोनों विषयों में यू का औसत स्कोर गणित में उसके स्कोर से एक अधिक है, ये तो अपने कर लिया, लेकिन गणित में क्यू के स्कोर से 2 अधिक है, यानी यू का जो औसत है दोनों विषयों का क्या है, यू एम प्लस यू एस अपॉन 2, यानी यू एम 34 प्लस 36 अपॉन 2, यानी 36 और 34 70 बटा 2 यानी 35, औसत कितना हुआ, 35 हो गया। तो क्यू एम जो है वो क्या है, यू एम और यू एस, ठीक है, यू एम प्लस यू एस बटा 2 बराबर 35, इससे 2 कम है क्या क्यू एम, यानी 33, तो क्यू जो है मैथ्स में क्यू को 33 नंबर मिले। अब ये 33 मिले हैं और यहाँ 52 मिले हैं टोटल, तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, 52 माइनस 33 यानी ये आपका हो गया 52 माइनस 33 यानी 19, ये 19 नंबर इसको मिल गए साइंस में। देखिए 1 2 3 4 ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपका देखो P कंप्लीट हो गया, Q कंप्लीट हो गया, R हो गया, S हो गया, अब ये T रह गया, T में क्या रह गया, ये हो गया मैथ्स हो गया साइंस हो गया, ये T की खाली एज है ना, क्योंकि T की एज के बारे में इसमें कोई क्लू नहीं हमको मिला है। ये हमारे पास डाटा कंप्लीट हो गया है, इस डाटा के आधार पे हम जो दिए गए प्रश्न है उनका उत्तर हम दे दें। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय V, V को कुल कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, हम इसमें जाके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा V यहाँ पर है, V के टोटल मार्क्स कितने, 60 हैं। ठीक है, V के टोटल मार्क्स 60 हैं, तो हम इसको यहाँ पर कर देंगे 60, कहाँ है देखिए इसमें, ये 60 है, तो इस 60 को हमने यहाँ पर टिक कर देंगे, ये 60 को हम टिक कर दिए।
दूसरा है हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स इसको मिले। हम इसको पीछे घूम के देखते हैं तो हमें देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो देखिए 48 से ऊपर किसी का नहीं है। तो ये देखिए 48 है, ये पी को साइंस में 40x मार्क्स मिले हैं, इसलिए हम इसको उत्तर देंगे कि ये पी इन साइंस, ये करेक्ट हो गया। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ यू एंड आर, यू और आर की एवरेज एज क्या है? आर की एज 19 और यू की एज 29, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ करते हैं 19 + 29/2, ठीक है, यानी कि ये 48/2 यानी 24। तो 24 जो है इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये आ जाएगा नन ऑफ दी एबो। अगला प्रश्न, हाउ मेनी पीपल फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, 20 से कम मार्क्स कितने सब्जेक्ट मिले? देखिए हम ये देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये 18 नंबर मिले ये थे, ये टी को 18 मिले थे, और यहाँ पर ये क्यू को जो है 19, ठीक है, और किसी को 20 से कम नहीं मिले। दो व्यक्ति जो ऐसे हो गए जिसको जो फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे बी, ये दो को एंज टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन हुज टोटल मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट इज द लिस्ट। देखिए दोनों सब्जेक्ट में मिला के सबसे कम किसके, दोनों सब्जेक्ट में टोटल वाला आएगा, ठीक है, ये वाला जो टोटल वाला है दोनों सब्जेक्ट में सबसे कम किसके आ रहे हैं? देखिए 52, 64, 88, 45, ये जो 45 आ रहे हैं ना, ये 45 है, ये सबसे कम मार्क्स है, तो ये किसकी, इसकी एज कितनी है ये हमें पता ही नहीं लगी, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, आंसर कर देंगे कि के नॉट बी डिटरमाइंड, निश्चित नहीं की जा सकती कि टी की उम्र कितनी है, इस आंकड़ों से निश्चित नहीं की जा सकती, इसका उत्तर आ जाएगा ये। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। गुड लक, धन्यवाद, थैंक यू। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।